Hey guys, welcome back to the channel. This is CA Kavita. कैसे हैं आप सब? I hope सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे. तो guys, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि सेक्शन 194R क्या है, कब से एप्लीकेबल होने वाला है, तो कुछ एक कंफ्यूजन जो है वो लोगों के माइंड में थी सेक्शन 194R को लेके, और उन कंफ्यूजन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये गाइडलाइंस जो है, ये गाइडलाइंस इश्यू करके रिमूव कर दिया गया है. ठीक है जी, ये गाइडलाइंस जो है मेरे पास 16 जून 2022 को एप्लीकेबल हुई थी, इशू हुआ था ये सर्कुलर हमारे पास, सर्कुलर नंबर 12 ऑफ 2022. तो गाइस, ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो ध्यान से आप बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में. सबसे पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड. ठीक है, क्या ये जरूरी है कि बेनिफिट और परक्विजिट है सेक्शन 194R के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, वो मेरे पास इन काइंड ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देखिए, पीछे हमने सेक्शन 194R पढ़ा था, सेक्शन 194 में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो बेनिफिट और परक्विजिट है वो इन काइंड ही हो. वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, मैंने आपको विद एग्जांपल बताया कि जो बेनिफिट और परक्विजिट है वो इन कैश और इन काइंड भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है. क्लियर एवरीवन? यहाँ पे आप देखेंगे दैट मे बी होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड. वो पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड भी हो सकता है. तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन 194R तभी लगेगा जब इन काइंड बेनिफिट और परक्विजिट है, इन काइंड और पार्टली इन कैश है तो भी यहाँ पे 194R एप्लीकेबल हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? नाउ, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R व्हेन परक्विजिट इज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट? यानी कि परक्विजिट जो है वो कैपिटल एसेट की फॉर्म में है. ठीक है जी, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, जो परक्विजिट है वो कैपिटल एसेट की फॉर्म में है तो क्या तब भी 194R लगना है? देखिए, जब हमने सेक्शन 194R पढ़ा इन लास्ट वीडियो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, मैं लिंक लास्ट में वीडियो के दे दूंगी. ठीक है, अगर सेक्शन 194R जो हमने पढ़ा उसके अंदर कहीं नहीं लिखा था कि कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल एसेट बेनिफिट और परक्विजिट नहीं मानी जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं ये जो नीचे केसेस भी गाइडलाइंस के अंदर दे रखे हैं, ये जो कोर्ट केसेस हैं, इन कोर्ट केसेस के अंदर कहीं ना कहीं सभी में कैपिटल एसेट की ही बात हो रही है, और ये जो सब कैपिटल एसेट्स है ना, कहीं भी किसी भी कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दिया कि ये कैपिटल एसेट्स है तो इसे हम बेनिफिट और परक्विजिट नहीं मानेंगे. दे ऑल वर ट्रीटेड एज बेनिफिट और परक्विजिट. मेरी बात समझ में आई? यानी कि इनडायरेक्टली मैं बात करूं या डायरेक्टली ही मैं बता दूं आपको, जो सेक्शन 194R है वो कैपिटल एसेट्स को एक्सक्लूड नहीं करता. वो क्या कहता है कि कैपिटल एसेट भी अगर आपको प्रोवाइड हुई है तो उसके ऊपर भी 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा, सेक्शन 194R एप्लीकेबल होगा. देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे, Thus it can be seen that the asset given as benefit or perquisite may be the capital asset in general sense of the item like car, land, etc. यानी जो भी चीजें आएंगी कैपिटल एसेट्स की, इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट इट इज बेनिफिट और परक्विजिट, ये बेनिफिट और परक्विजिट मानी जाएंगी, हेंस इट हैज बीन हेल्ड टू बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल मानी जाएंगी. इन एनी केस एज स्टेटेड अर्लियर द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, थस द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R. यानी कि डिडक्टर को टैक्स डिडक्ट करना है 194R के अंतर्गत. यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा. क्लियर, आगे हम चलेंगे. वेदर द सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट्स, क्या ये बेनिफिट और परक्विजिट माने जाएंगे? ठीक है, आपने कोई भी सेल पे डिस्काउंट दिया, कैश पे डिस्काउंट दिया, कोई भी रिबेट दे दी, तो क्या ये सब चीजें बेनिफिट और परक्विजिट मानी जाएंगी? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है जो रूटीन में अपना बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन हु इज डूइंग हिज बिजनेस, और कोई भी प्रोफेशनल है इफ ही इज एक्सरसाइजिंग हिज प्रोफेशन, तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है. कोई कैश डिस्काउंट देता है, कोई रिबेट देता है, कोई सेल डिस्काउंट देता है, तो इन डिस्काउंट्स के ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट टीडीएस को एप्लीकेबल कर देगी ना, तो बिजनेस को स्मूथली चलाने के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए सेल डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट पे और रिबेट के ऊपर 194R को एप्लीकेबल नहीं किया गया. क्लियर, आगे आप देखेंगे तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उससे रिलेटेड में छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं. जैसे कि स्कीम हमारे पास चलती है कौन सी, बाय वन गेट वन फ्री,
ठीक है, या बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके की काफी स्कीम्स चलती रहती हैं। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके की जो हमारे पास स्कीम्स चलती हैं, क्या वहां पे 194R एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 1000 की एक शर्ट थी, उसके साथ 1000 की एक और शर्ट जो है वो फ्री में मिल गई, यानी एक तरीके से आपको 1000 में टू शर्ट्स मिली। अब देखिए, जो सेलर है वो अपनी जेब से आपको पैसे नहीं देगा, उसने यहाँ पे क्या माना जाएगा कि आपको जो दो शर्ट्स की कॉस्टिंग है वो 1000 ही पड़ी। ठीक है, यहाँ पे दो शर्ट्स की कॉस्टिंग क्या मानी जाएगी, 1000 रुपीज मानी जाएगी। इन केसेस में भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आप कह सकते हैं 194R को एप्लीकेबल नहीं किया गया, यानी सेलिंग में, कैश डिस्काउंट में, रिबेट में कहीं भी 194R नहीं आएगा। ठीक है जी, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन मेन चीज इसके अंदर क्या है, देखिए ये एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो फ्री सैंपल के तौर पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं। जो फ्री सैंपल वाली सिचुएशन होती है उसके अंदर जो है ये टीडीएस अप्लाई हो जाएगा, रिलैक्सेशन वुड नॉट अप्लाई टू अ सिचुएशन ऑफ फ्री सैंपल्स। यानी अगर फ्री सैंपल्स की सिचुएशन है, फ्री सैंपल्स के तौर पे किसी को कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, 194R में टीडीएस डिडक्ट हम करेंगे। क्लियर है जी? आगे एक और चीज हमारे पास दी हुई है, दिस रिलैक्सेशन वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय सेलर इन कनेक्शन विद इट्स सेल। यानी सेल से रिलेटेड अगर अदर कोई बेनिफिट वो देकर के चल रहा है, जैसे कि आपने सेल से रिलेटेड कोई टारगेट अचीव कर लिया, होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर्स को टारगेट दिए, रिटेलर्स ने टारगेट अचीव कर लिए, तो उस पर्सन ने क्या किया, होलसेलर ने उनको इंसेंटिव देना स्टार्ट किया डिस्काउंट और रिबेट के अलावा। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, अदर देन व्हाट, अदर देन डिस्काउंट एंड रिबेट। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, अदर देन डिस्काउंट एंड रिबेट। किस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो, इन कैश, इन काइंड सच एज कार, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन, कुछ भी। यानी अगर आपने अपने सेल के टारगेट अचीव कर लिए, तो सामने वाले पर्सन ने आपको क्या देना शुरू कर दिया, अदर इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। वो जो अदर इंसेंटिव है वहां इस टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? आगे चले, अगर जो पर्सन है वो स्पॉन्सर कर रहा है कोई भी ट्रिप रिसिपिएंट के लिए या उसके रिलेटिव्स के लिए, रिसिपिएंट के लिए करो या उसके रिलेटिव्स के लिए करो, दोनों ही केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई फ्री टिकट आपको प्रोवाइड हो रही है किसी भी इवेंट की, या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आप जो है सैंपल्स दे रहे हो। देखो ये सैंपल्स तो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं इन्हें काफी फ्री सैंपल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं मेडिसिन के, इसके ऊपर भी 194R की एप्लीकेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये इनकी इनकम में काउंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? आगे हम जो मेन चीज है एक और डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज की क्लारिफिकेशन और दी गई है कि जो ओनर डायरेक्टर या एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, आपने कंपनी को तो वो परक्विजिट प्रोवाइड की, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी परक्विजिट और बेनिफिट्स ना लेकर के अपने डायरेक्टर्स को, ओनर्स को या एम्प्लॉयज को दिलवा देती है। कंपनी खुद से वो बेनिफिट ना लेकर के एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को और कंपनी को दे देती है। तो यहाँ पे जो ओनर डायरेक्टर या एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, या जो रिसिपिएंट हो गए, उनके जो रिलेटिव्स हैं अपने रिलेटिव्स को दे देती है, तो यहाँ पे टीडीएस किसका काटोगे? मैं फिर से आपको देखो विद एग्जांपल इसमें बताती हूँ। ठीक है, एबीसी एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी। आपने क्या किया, इसके तीन डायरेक्टर हैं एबीसी, ठीक है, और यही तीनों इसके लगा लो कि ओनर है, इसके अलावा एक्स वाई जेड एंड ऑल ये इसके क्या है, एम्प्लॉय। इस कंपनी ने क्या किया, बेनिफिट अपने डायरेक्टर्स को दिलवाया, बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को दिलाया, या डायरेक्टर्स के रिलेटिव को दिला दिया। तो इस केस में आप टीडीएस किसका काटोगे? नाउ क्वेश्चन इज दैट टीडीएस किसका डिडक्ट होगा, एबीसी का, एबीसी लिमिटेड का, या इन एबीसी का, रिलेटिव का, या एम्प्लॉयज का? तो आपने ध्यान रखना है जो पर्सन है सामने वाला, वो जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दे रहा है, वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट किसे प्रोवाइड कर रहा है जी, एबीसी लिमिटेड को, तो वो टीडीएस भी एबीसी लिमिटेड का काटेगा, वो इनका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इनकम किसकी मानी जाएगी, बाद में कंपनी की। आपने टीडीएस इनका डिडक्ट नहीं करना, आपने सेक्शन 194R में टीडीएस किसका डिडक्ट करना है जी, कंपनी का डिडक्ट करना है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है जी, नेक्स्ट, हाउ
इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट. गाइज एक चीज और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स है वो टाइमली बेसिस पे हम अपने चैनल पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ प्रोवाइड करते हैं. तो गाइज नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट किस तरीके से आपको कैरिड आउट करना है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है. तो गाइज अगर आपने परचेज की है वो प्रोडक्ट, तो इसमें सिंपल सा परचेज प्राइस ले लो, ठीक है. अगर आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है तो सिंपल सा उसका परचेज प्राइस उठा लो, वो आपकी वैल्यूएशन आ गई, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करोगे. बट इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप किस रेट पे देंगे, उस रेट पे जिस रेट पे आप कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है. वैल्यूएशन कैसे होगी, फर्स्ट वन परचेज किया, परचेज किया तो सीधा परचेज प्राइस लिया, उसके ऊपर टीडीएस काट दो. मैन्युफैक्चर किया तो जिस रेट पे हम मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस लेना इसमें, मार्केट प्राइस एक तरीके से, ठीक है. कॉस्ट प्राइस नहीं लेना, अगर मैन्युफैक्चर किया तो क्रॉस कॉस्ट प्राइस नहीं लोगे, आपने क्या करना है सेलिंग प्राइस लोगे, जिस रेट पे आपने सेल किया है अपने कंज्यूमर को उसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, क्लियर. नाउ ये जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट है वो प्रोवाइड करते हैं. देखिए कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी अदर पर्सन है जिसने अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको दे दी ताकि वो सोशल मीडिया पे दिखाए, उसके बारे में बात करे और लोग इन्फ्लुएंस हो उससे, ठीक है. तो जो वो उसने प्रोडक्ट दी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी भी पर्सन ने, उसे बेनिफिट या परक्विजिट मानेंगे या नहीं. देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है जी, अगर इसने ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दी तो 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे बेनिफिट और परक्विजिट नहीं मानेंगे. लेकिन अगर उसने वो प्रोडक्ट रिटेन कर ली तो भैया 194R एप्लीकेबल हो जाएगा, सॉरी 194R विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल बी ट्रीटेड एज बेनिफिट और परक्विजिट. मेरी बात समझ में आई, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट वापस दे देगा कोई दिक्कत नहीं है, 194R विल नॉट बी एप्लीकेबल, अगर रख लेगा तो 194R एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी. आगे देखेंगे, अगर कोई भी प्रोफेशनल्स है, ठीक है, प्रोफेशनल एक कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किए किस लिए, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए. जैसे मैं एक CA हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने क्लाइंट के यहाँ ऑडिट के लिए गई, उसे कई जो एक्सपेंसेस थे मुझे अपने काम को करने के लिए करने पड़े, तो वो जो मैंने एक्सपेंसेस किए उसका काम पूरा करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए, वैसे तो वो एक्सपेंसेस किसे करने चाहिए थे, सर्विस रिसीवर को, जिसने उस सर्विस को रिसीव किया, ठीक है. लेकिन उस टाइम पे क्या किया, मैंने अपनी पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट कुछ एक एक्सपेंसेस कर दिए, फॉर एग्जांपल 10,000 के मैंने एक्सपेंसेस कर दिया. बाद में क्या किया उस पर्सन ने, वो जो 10,000 के एक्सपेंसेस थे वो मुझे रिटर्न किए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई भी सर्विस रिसीवर है, ठीक है, और मैं क्या हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरी फीस कितनी थी, 25,000 रुपीज, बट फॉर कंप्लीटिंग माय सर्विसेज मैंने क्या किया, 10,000 के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किए, मैंने 10,000 के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किए. तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी उसने इसके साथ साथ मुझे रिम्बर्स कर दिए, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे उसने कितने रिम्बर्स कर दिए, 35,000 रुपीज. तो क्या ये 10,000 जो है इसके ऊपर सेक्शन 194R एप्लीकेबल होगा, नहीं, इसके ऊपर 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो खर्चा है अगर मैं ना करती तो उसको साथ के साथ मुझे कैश देना पड़ता, ठीक है, वो साथ के साथ पे आउट करता उन खर्चों को. लेकिन क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में खर्चा कर दिया और बाद में वो खर्चा सर्विस रिसीवर से रिकवर कर लिया, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस थे, उसके ऊपर सेक्शन 194R नहीं लगेगा. क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आ गया, ठीक है जी. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, समटाइम्स जो इनवॉइस है वो नेम ऑफ एक्स पे लिया हुआ है, ठीक है. इफ इट इज पेड बाय द कंसल्टेंट इज रिम्बर्स्ड बाय एक्स, इन दिस केस सिंस द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसल्टेंट इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू एक्स, यानी जो इनवॉइस है, इनवॉइस अगर एक्स के नाम पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्विस रिसीवर है, अगर इनवॉइस सर्विस रिसीवर के नाम पे नहीं है
तो यहाँ पे बेनिफिट और परक्विजिट मान लिया जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 194R एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिए, जो बिल है अगर सर्विस रिसीवर के नाम पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस रिसिपिएंट के नाम पे नहीं है बिल तो सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। कोई भी डीलर है, वो डीलर कॉन्फ्रेंस रख रहा है, कोई भी एक डीलर है उसने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो क्या उस कॉन्फ्रेंस का खर्चा जो है बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा? देखिए, अगर कोई भी एक पर्सन है उसने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, न्यू प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर रहा है या डिस्कशन कर रहा है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बेटर किया जाए, ऑर्डर ले रहा है डीलर से या टीचिंग कर रहा है सेल टेक्निक, एड्रेस कर रहा है क्वारीज यानी क्वारीज के जवाब दे रहा है डीलर्स और कंज्यूमर्स के, रिकनसाइल कर रहा है अपने अकाउंट्स डीलर और कंज्यूमर के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की जो भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे उसको बेनिफिट और परक्विजिट नहीं मानेंगे। लेकिन 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 कुछ एक एक्सेप्शंस भी इसकी दी हुई है। अगर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये किसी ट्रिप से रिलेटेड किए जा रहे हैं, ठीक है, और अगर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये मेंबर्स के साथ साथ उनसे जो पर्सन है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स भी इस ट्रिप का हिस्सा है, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, उसका खर्चा भी जो है वो डीलर उठा रहा है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा। और अगर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है वहां पे ओवर स्टे कर रहे हैं, ठीक है, या पहले से रुके हुए, 10 तारीख को कॉन्फ्रेंस होनी थी 10 से 13 तक, लेकिन कुछ एक लोग 8 को ही वहां आ गए, या 13 से लेके 16 तक, या 14 15 13 के बाद जो लोग रुके हैं और 10 से पहले जो लोग रुके हैं, उसका जो खर्चा होगा वो बेनिफिट और परक्विजिट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे। सेक्शन 194R प्रोवाइड्स दैट इफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टीडीएस, यानी कैश जो है, कैश में हम टीडीएस प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या करना है? देखिए, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप पिछली वीडियो पे जाके देख लीजिएगा किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में साफ साफ सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि 20,000 की लिमिट है, 20,000 से कम का अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कोई बेनिफिट और परक्विजिट दिया है तो टीडीएस नहीं लगेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, एक सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का रह गया था, वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट, ठीक है, सेकंड हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि क्या ये चीज नेसेसरी है कि जो पर्सन है जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट तो उसने प्रोवाइड किए, क्या हमें पहले चेक करना है कि सेक्शन 28 क्लोज 4 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 28 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या कहता है, जो भी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो सामने वाले रिसिपियंट के ऊपर उसका टैक्स लगता है, रिसिपियंट जो है उसके ऊपर टैक्स प्रोवाइड करेगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, रिसिपियंट के हैंड में वो टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 194R का टीडीएस डिडक्ट करने से पहले हमें ये चेक करना है कि सेक्शन 28 क्लोज 4 एप्लीकेबल है या नहीं है। सेक्शन 28 क्लोज 4 क्या कहता है कि कोई भी सर्विस जो जिसको बेनिफिट और परक्विजिट मिल रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे बेनिफिट और परक्विजिट मिला, तो वो जो बेनिफिट और परक्विजिट है उसके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हमें ये चेक करना है 194R के लिए? नहीं करना, ठीक है। 194R के लिए आपने ऐसा कुछ नहीं देखना कि उसके ऊपर जो क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 28 है वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने सीधा क्या करना है, उसके ऊपर जो टीडीएस है एट द रेट ऑफ 10% वो टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में आप चेक कर लेंगे, सेक्शन 195 का टीडीएस तो नहीं लगना। अगर ये सेक्शन 195 का टीडीएस लग रहा है तो आपको 194R का डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, ये था ऑल अबाउट सेक्शन 194R गाइडलाइंस। तो मैंने बहुत कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।